हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इनके राइटर का नाम है श्री अरविंदो। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर हैं। तो आइए हम पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा श्री अरविंदो के बारे में जान लेते हैं। श्री अरविंदो प्राइमरली एक विजनरी थे। विजनरी का मतलब होता है भविष्यदर्शी। तो उन्होंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ महसूस किया था, जो भी विजन उन्होंने अपने राइटिंग में देखा था, उसी को वो अपने राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। उनका कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम है, जैसे कि सॉन्ग्स टू मार्स्टिला, उर्वशी, लव एंड डेथ एंड सच अदर्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है। इस पोएम में वो ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि जो ट्रांजिशन है, उसके लिए एक चेंज चाहिए होता है। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव चाहिए होता है जिसमें हम एग्जिस्टिंग वर्ल्ड से निकल करके एक डिवाइन फॉर्म के रूप में आ जाएं। मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्म होगा, जो हमारा वर्तमान स्थिति होगा, उससे निकल करके हम लोग डिवाइन फॉर्म में आ जाएं। पोएट कहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले वो ब्रेथ से शुरू होता है, फिर नर्व्स में आता है, और फाइनली वो हमारे सोल तक पहुंच जाता है। तो आइए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। माय ब्रेथ रन्स इन अ सबटल रिदमिक स्ट्रीम, इट फील्स माय मेंबर्स विथ अ माय डिवाइन। मेरा जो ब्रेथ है, वो सबटल रिदमिक वे में मूव कर रहा है, और ये मेरे मेंबर्स को एक माइट डिवाइन लाइट से पूरा फिल कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पोएट कहते हैं कि उनका जो ब्रेथ है, वो मिस्टीरियस, सबटल और रिदमिक मैनर में चल रहा है। यानी कि जो पोएट सांस ले रहे हैं, वो उनको मिस्टीरियस, रहस्यमय और रिदमिक वे में लग रहे हैं। और जब वो सांस ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो उनका मेंबर्स हैं, मतलब कि जो उनका बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरा एक डिवाइन लाइट से भर जा रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने इन्फिनाइट असीमित जियांट्स वाइन को पी लिया है। I have drunk the infinite like a giant's wine. Time is my drama or my person's dream. Poet कहते हैं कि जो time है, वो उनके लिए drama या person's dream की जैसा है। मतलब कि जो समय है, वो उनके लिए एक झांकी के समान है। अब आगे पढ़ते हैं। Now are my illumined sail, joyous flaming scheme and changed my thrilled and branching nerves to find channel of rapture, opal and hyaline for the influx of unknown and the supreme. पोएट कहते हैं कि उनके बॉडी में, उनके शरीर में खुशी की लहरें बढ़ते ही जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? फ्लेमिंग स्कीम की तरह, मतलब कि जैसे आग का लपटा कैसे बढ़ते जाता है, उसी तरह से उनके बॉडी में जो खुशी हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो ब्रेथ है, वो मिस्टीरियस महसूस हो रहा है उनको, और इस मिस्टीरियस ब्रेथ के कारण उनका जो पूरा बॉडी का पार्ट्स है, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसमें एक डिवाइन लाइट का प्रेजेंस आ गया हो। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इनफिनाइट ड्रिंक पी लिया हो, और उनके लिए अब टाइम भी एक ड्रामा के जैसा है। इसीलिए उनको ये खुशी का एहसास हो रहा है, उनका जो खुशी है वो बढ़ते ही जा रहा है। एंड उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि ड्यू टू दिस जेस्ट, इस खुशी के कारण उनका जो प्लेजर है, वो अपीयर हो रहा है, वो पारदर्शी है, और उनके बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, इंटेंस प्लेजर रिसीव कर रहा है उनका हर एक बॉडी पार्ट्स। पोएट को ये सारा खुशी का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें सुप्रीम अथॉरिटी का
साथ मिल गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आई एम नो मोर अ विजल ऑफ द फ्लेश, अ स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल। पोइट कहते हैं कि वो अब विजल की फ्लेश नहीं है, मतलब कि उनका जो बॉडी है वो हार्ड मास का एक ढांचा नहीं है, अब वो नेचर के रूल्स से बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि उनका जो सोल है वो अब स्पिरिचुअल हो चुका है। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंस नैरो मेस, माई सोल अन हॉरिजॉन्ट वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। पोइट कहते हैं कि वो अपने सेंसेस पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, उन्होंने अपने सेंस पर सुप्रीम अथॉरिटी प्राप्त कर लिया है और अब वो अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से मिसगाइडेड नहीं होंगे। आगे कहते हैं कि इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो सोल है वो वाइडन हो गया है, वो मेजरलेस हो गया है। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। पोएट कहते हैं कि उनका जो बॉडी है वो गॉड्स का लिविंग टूल है, मतलब कि उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है उसमें गॉड निवास करते हैं और उनका जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। वो कहते हैं कि उनका जो स्पिरिट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट में, जो कि उनको गाइड करेगा इस दुनिया में और उसको इमॉर्टेलिटी का पाथ दिखाएगा। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं पोएम के एनालिसिस के बारे में। ये जो पोएम है वो दिखाता है प्रैक्टिस ऑफ योगा के बारे में। ये दिखाता है कि कैसे योगा के प्रैक्टिस से एक जो संत होता है या जो योगी होता है वो अपने ऑर्डिनरी पावर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये पोएम ये भी बताता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले ये ब्रेथ के लेवल पे होता है, फिर नर्व्स में होता है और फाइनली ये सोल में पहुंच जाता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सांस से शुरू होकर के हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो योगी होता है या जो सेंट होता है वो कैपेबल हो जाता है अपने सारे सेंसेस को, अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने में। अब उस पर कोई भी रूल काम नहीं करता है, इवन वो प्रकृति के नियम से भी परे होता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आने से, मतलब ये जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड से डिवाइन वर्ल्ड में, उसमें वो हर एक बंधन से मुक्त होता है, वो अपने समय का खुद मास्टर होता है और जो उसका सोल होता है वो इतना ज़्यादा प्योर हो जाता है कि उसमें सन का भी इमेज मिलता है। अब हम बात करते हैं इस पोएम की थीम के बारे में। इसका थीम यही है कि इंसान को, ह्यूमन को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के उन्हें नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान खुद से हर एक चीज़ कर सकता है, वो किसी भी चीज़ के मोह माया में नहीं फंस सकता है, वो सिर्फ अच्छे कार्यों में लीन होगा, उससे कोई भी बुरा काम नहीं होगा। हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि इस पोएम का थीम ये है कि कैसे पोएट बताते हैं कि सेंसुअस लाइफ से कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम बात करते हैं इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो पोएम है वो 14 लाइन का है और ये एक सोनेट है। और यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो ये पोएम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।